हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल तेहरा। लास्ट वीडियो जो 12th का था, हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ा था बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था फराडेज के लॉ, उसके बाद हमने लेंज लॉ पढ़ा था, और लेंज लॉ के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, फराडेज के कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे हम लोगों ने। ठीक है, आज हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप ईएमएफ जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कौन कौन से मैथड है जिनसे आप ईएमएफ जनरेट कर सकते हो, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या तरीका है ईएमएफ जनरेट करने का, और कौन कौन से आर्टिकल्स कहाँ कहाँ से रिलेट करते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम फराडे का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि जो ईएमएफ इंडेक्स होती है उसकी वैल्यू होती है माइनस का डी बाई डी टी इंटू में फाई, और फाई हमारे पास क्या था, फाई हमारे पास था मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगी, हम पढ़ चुके। ठीक है, और हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा फाई, ध्यान से समझना इसको, इसी फॉर्मूले से आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे आप मैग्नेटिक ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर कैसे आप करंट को इंड्यूस कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो फाइव इज बस टू क्या है हमारे पास, फाइव की वैल्यू हमारे पास बी इंटू में ए, बी हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए हमारे पास क्या है एरिया वेक्टर। क्लियर है, चलो इसको सोल्व करते हैं। ये आ रहेगा हमारे पास बी, और ये ए इंटू में कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास एंगल, किस किस के बीच में बांट लो, बी और ए के बीच में। बी हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ए हमारे पास क्या है एरिया वेक्टर। ठीक है, देखो एक इक्वेशन हमने और पढ़ी होगी कहीं, आपने पहले आपने पढ़ी होगी थीटा और एंगुलर वेलोसिटी का, थीटा बराबर होता है ओमेगा अपॉन टी, सॉरी थीटा की वैल्यू क्या होती है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी, पढ़ी या नहीं पढ़ी, ओमेगा होता है हमारे पास थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टोटल टाइम, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, है ना। यहाँ जो मैं कॉइल ले रहा हूँ, कॉइल घूम भी रही है, और किस वेलोसिटी, किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा से, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैंने, थीटा की जगह पर पुट कर दिया मैंने बेटा ओमेगा, सॉरी थीटा की जगह पर नहीं, सॉरी हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस थीटा की जगह पर क्या पुट कर, थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ओमेगा टी, इस थीटा की जगह यहाँ पर ओमेगा पुट कर देंगे, तो फाई की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई बेटा, बी ए कॉस ओमेगा टी, क्या फाई की वैल्यू बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इस फाई की वैल्यू को इस फराडे की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो फराडे की इक्वेशन पुट करोगे तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का डी बाय डी टी इंटू बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ध्यान सुनो, बी हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर, ओमेगा उसकी जो कॉइल है हमारे पास, वो कॉइल जिस एंगल से या जिस एंगल ऑफ वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, वो आपके पास अलग अलग तरीके क्या है उसमें। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखते हो, तो भी ईएमएफ बनेगा। अगर मान लो पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो कोई चांस ही नहीं है ईएमएफ बनने का, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का, वो जीरो हो जाएगा और ईएमएफ बनेगी नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि इन तीनों में से या तो बी को चेंज करो, या ए को चेंज करो, या ओमेगा को चेंज करो, किसी को भी चेंज करो, तो क्या बनेगी आपकी ईएमएफ बनेगी। सबसे पहले आप ईएमएफ जनरेट कर सकते हो किसकी हेल्प से बेटा, बाय चेंजिंग, क्या चीज चेंज करके, बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो अपने आप ईएमएफ बन जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगी। यस और नो, क्लियर है। और ये हम करके भी आए हैं कहां पर, इससे पहले जो हमने फ्राइडे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसमें हम मैग्नेट को पास लाए थे और मैग्नेट को दूर ले गए थे, मैग्नेट को पास लाना और मैग्नेट को दूर ले जाना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना होता था, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना ही क्या होता था हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना, इसलिए ये बन गई। तो ये वाला आर्टिकल ये बोल सकती है, ये कंसेप्ट हम पढ़कर आए हैं पहले से ही। अब दूसरा कंसेप्ट, आप किसको चेंज कर सकते हो बेटा, एरिया को। सेकेंड, आप किसको चेंज कर दो, एरिया ऑफ कॉइल, कोइल के एरिया को चेंज कर दो, कोइल के एरिया आया तो बढ़ा दो, या कोइल का एरिया घटा दो, मतलब कोइल का एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर कोइल का एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो करंट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बनेगा। ठीक है, जो कि आपका एक आर्टिकल, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, क्या बोलते हैं बेटा, तो एरिया चेंजिंग की वजह से जो ईएमएफ बनती है ना, उसको हम बोलेंगे इमोशनल, नहीं सॉरी मोशनल ईएमएफ।
क्या बोलेंगे बेटा? मोशनल ईएमएफ, इसको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। आज का हमारा बेसिक टॉपिक यही होगा, मोशनल ईएमएफ होता क्या है, कैसे जनरेट होता है। आपको आइडिया लग गया कि मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा किसकी हेल्प से बेटा? एरिया ऑफ कॉइल चेंज करने की हेल्प से, ठीक है। तीसरा देखो, यहां पर दो तरीके, या तो ओमेगा टी पूरा बदल दो या थीटा बदल दो। थीटा क्या है, किस किस के बीच में एंगल है? थीटा हमारा एंगल है किस किस के बीच में बेटा? थीटा हमारा एंगल है बी और ए के बीच में, है ना। मान लो ये कॉइल है, इसके ये बी है और ये ए। कॉइल को आप घुमा दो, कॉइल को आप क्या कर दो, घुमा दो। जैसे ही आप कॉइल को घुमाओगे तो बी और ए के बीच में एंगल थीटा क्या हो जाएगा? चेंज। और थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा? ईएमएफ। तो मतलब आप कॉइल को क्या कर सकते हो, कॉइल को रोटेट करा दो, कॉइल को करा दो रोटेट करा दो, ठीक है। यू बोल सकते हैं रोटेशन से, रोटेशन ऑफ कॉइल, उससे भी क्या बन सकती है आपकी ईएमएफ जनरेट हो सकती है। या फिर आप बोलते हो तो कॉइल की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको चेंज कर दो, कॉइल की जो एंगुलर वेलोसिटी, अगर कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी या कॉइल किसी एंगुलर वेलोसिटी से गोल गोल घूमेगा, इसको भी बंद कर दिया, इसको रोटेशन में डाल देते ना दोबारा से। देखो अगर कॉइल को आप रोटेट करा दोगे, कॉइल को रोटेट कराओगे तो भी उसके अंदर क्या जनरेट होगी बेटा? तो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं ईएमएफ जनरेट होगी, और इसको भी आप स्टडी करोगे, ठीक है। इसका नाम क्या है? रोटेशनल ईएमएफ। क्या है बेटा? रोटेशनल ईएमएफ, मतलब कॉइल के रोटेट होने से भी ईएमएफ जनरेट हो सकती है, और कॉइल के एरिया चेंज होने से भी ईएमएफ जनरेट हो सकती है, और कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से भी ईएमएफ जनरेट हो सकती है। तो आप कैसे कॉइल के, हम सेकंड स्टेप पढ़ने वाले हैं, एरिया को चेंज करेंगे और कैसे उसमें ईएमएफ जनरेट होगी, और जो ईएमएफ जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए कोई रूल है, उस रूल को पढ़ेंगे। और ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या करना है, जो ईएमएफ जनरेट हुई है बेटा उस ईएमएफ को स्टडी करना है, उसका फॉर्मूला बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल का नाम क्या है बेटा? मोशनल ईएमएफ। क्या नाम है? मोशनल ईएमएफ। देखो इस इमोशनल ईएमएफ के अंदर नंबर वन आपको एक तो निकालनी होगी क्या? ईएमएफ, ठीक है। नंबर टू ईएमएफ निकाल दी, प्लस आपको दूसरा निकालने का इंड्यूस करंट, इसमें कितना करंट इंड्यूस होता है, आई निकालना है। एक तो आपको क्या निकालना है? ई। एक क्या निकालना है बेटा आपको? आई। तीसरा आप इसमें फोर्स भी निकालोगे, क्या होता है फोर्स वो भी बताएंगे। देखो एफ भी निकालोगे, प्लस इसमें क्या निकालोगे आप? उसकी पावर, पावर क्या बोलेंगे इसको? पी। तो आपको चारों चीज निकालनी है, क्या? ईएमएफ इंड्यूस जो उस कॉइल के अंदर होगी, किसकी हेल्प से? कॉइल के अंदर अगर एरिया चेंज करने से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उस ईएमएफ इंड्यूस को क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ। फिर उसके अंदर हम जो करंट बना उस करंट की वैल्यू भी निकालेंगे, जिसको इंड्यूस करंट बोलते हैं ना, या मोशनल करंट भी बोल देते हैं कहीं पर। उसके बाद फोर्स, क्योंकि जब कॉइल के अंदर करंट बनता है तो कॉइल पर फोर्स भी लगता है, उस फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, और वो फोर्स लगने की वजह से जो वो पावर एसोसिएट होती है उस कॉइल के अंदर, उसकी पावर को भी कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक कॉइल लेने वाले हैं, ऐसी कॉइल जिसका एरिया चेंज हो। अब एरिया चेंज करने के लिए हम लोगों को एक वेरिएबल एरिया, एरिया चेंजेबल कॉइल लेनी पड़ेगी, जिसका एरिया ऑटोमेटिकली क्या होता है, या हम चेंज कर सके या खुद ब खुद वो चेंज कर रही हो, ठीक है। तो हमारा टारगेट है किसी भी कॉइल का एरिया चेंज करना और उससे ईएमएफ जनरेट करना, और उससे जो ईएमएफ जनरेट होगी उसी ईएमएफ को हम स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है हमारा? मोशनल ईएमएफ। क्या नाम बेटा? मोशनल ईएमएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मान लेते हैं जो कि इस प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड जा रहा है, और प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, जो उसको किससे डिनोट करते हैं? क्रॉस से। तो क्रॉस हमारे पास क्या है बेटा? ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब हम एक कॉइल रखेंगे। कॉइल का मतलब सपोज करो आप रेलवे ट्रैक टाइप का, अगर एक ट्रैक ले लो आप, ट्रैक जिसमें आपके पास मेटल की मेटल के रोड है, मेटल के रोड टाइप के हैं, ऐसे देखो ये आपके पास एक ट्रैक है ऐसा, जैसे रेल की पटरी नहीं होती बेटा, उस टाइप का ट्रैक है, एक ऐसा ट्रैक ले लिया, ये कनेक्टेड है ना, ये पूरा ट्रैक ये मेटल का है, किसी भी मेटल का ले सकते हो आप, आयरन का, स्टील का ना, और एक मेटल ट्रैक ऐसे, ये ऐसा मेटल ट्रैक। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉइल बना रहा हूं बेटा,
जो किससे बनी होती है, वायर से या किसी मेटल से, उस कॉइल को ऐसे बनाऊंगा कि इसका एरिया मैं चेंज कर पाऊं। कैसे? देखो ये मेटल ट्रैक ले लिया बेटा। अब इस मेटल ट्रैक के ऊपर मैंने एक यहां पर इधर यहां पर एक ट्रैक ऐसे रख दिया इसके ऊपर, ऐसे मेटल ट्रैक है ना, एक मेटल ट्रैक ऐसे तो रख दिया। अब ये मेटल ट्रैक का जो ये लेंथ है ना इसकी, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारे पास इसका, ये जो हमारे पास रोड है, ये कैसी रोड है? मूवेबल। कैसी रोड है बेटा? मूवेबल रोड है। ओके, और ये जो ट्रैक हमने लगाया यहां पर, जो मेटल का ट्रैक है, ये है फिक्स, ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स है। ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मान लो, मान लो यहां से इसकी जो लेंथ ले लिया हमने एल, एल क्या हमारे पास इस कॉइल है, कॉइल बेटा देखो एक पूरी कंप्लीट कॉइल बनती है। किसमें रखा है उसको? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो रखा है वो कैसा रख दिया बेटा? कॉन्स्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया? कॉन्स्टेंट। अब करना क्या है, इस कॉइल में ईएमएफ बनाना है, कॉइल में ईएमएफ बनाना है, तो कॉइल का एरिया चेंज करना है। एरिया चेंज करने के लिए हमने क्या करा, इस कॉइल को इधर मूव करवा दिया। कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से। अब ये कॉइल जो है, या फिर ये जो ट्रैक है, या जो ये लेंथ है, ये रोड है, ये मेटल की रोड, इसको मैंने इधर मूव करा दिया। किस वेलोसिटी से? वी की वेलोसिटी से मूव करा दिया। ठीक है, इसकी जो ब्रेड्थ मान लो आपके पास जो मेटल ट्रैक है, इसकी ब्रेड्थ को बोल दिया हमने बी। ध्यान से देखो बेटा, जब ये मेटल ट्रैक जो यहां रखा हुआ है, ये वी वेलोसिटी से राइट हैंड साइड पर जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा? राइट हैंड साइड पर जा रहा है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? वी वेलोसिटी से। हाँ बेटा, क्या बताता? ये जो मेटल ट्रैक है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। जब ये मेटल ट्रैक आगे की तरफ जाएगा तो देखो, ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। क्योंकि जब हम किसी कॉइल के अंदर, या फिर जब हम किसी कॉइल से लिंक एरिया चेंज करते हैं, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, या फिर हम उस कॉइल को रोटेट करते हैं, तो उस कॉइल के अंदर क्या बनता है? करंट। यहां पर हमारे पास क्या चीज चेंज हो रही है बेटा? हमारे पास इस कॉइल से ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यू पास किया, इस कॉइल का एरिया क्या हो रहा है? चेंज। ड्यू टू चेंज इन एरिया। किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू चेंजिंग इन एरिया इन द कॉइल, कॉइल के अंदर एरिया चेंज होने की वजह से दी ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और उसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं? कॉल्ड कौन सी ईएमएफ बेटा? मोशनल ईएमएफ, जो कि आज का हमारा आर्टिकल। तो देखो आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला ये होता है सिंपल, E इक्वल्स टू होता है माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फाई। ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा ईएमएफ का ना। फाई होता है फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? पुट करो यहाँ पर E की वैल्यू होगी माइनस का डी बाई डी टी, और फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस ऑफ थीटा, है ना। अब थीटा एंगल क्या होता है? थीटा एंगल होता है बी और ए के बीच में। देखो ये हमारे पास एरिया है, ठीक है ना। इसका अगर एरिया वेक्टर नीचे की तरफ बना ले वो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ बना ले उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ ले लिया? नीचे की तरफ। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ की तरफ जा रहा? नीचे की तरफ। दोनों ही क्या जा रहे हैं बेटा? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों में एंगल कितना डिग्री हुआ? जीरो डिग्री। कितना एंगल डिग्री हुआ? जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे मान हो जाएगा। तो यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का डी बाय डी टी इंटू व्हाट? बी ए। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? वन। क्योंकि कॉस जीरो क्यों नहीं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना डिग्री है? जीरो। ये हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल में एरिया है, एरिया कितना है इसका? ए। एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया? जीरो डिग्री। ऑब्वियसली बात है, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? बी ए। मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया हमने बताया आपको क्या है? कॉन्स्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बाहर ले आओ। ईएमएफ की वैल्यू कितनी रहेगी? माइनस का बी इंटू, यहाँ बचेगा आपके पास डी बाई डी टी इंटू ए। ए क्या? एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया का क्या होगा बेटा? इसकी लेंथ कितनी है? एल। और ब्रेड्थ कितनी है? बी। तो एरिया पुट कर दो यहाँ पर, तो एरिया का माइनस का बी डी बाई डी टी इंटू ए। ए क्या है? एरिया। एरिया क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ एल, ब्रेड्थ को हम डिनोट करते बी से, एल इंटू बी। सोल्व करो इसको। ये रहेगा माइनस का बी, तो ये हो गया बेटा इंटू में एल और बी।
लेंथ इसकी चेंज हो रही है। जैसे आप इसको इधर ले जा रहे हैं वी वेलोसिटी से इसकी लेंथ केवल चेंज हो रही है, पर जो इसकी ब्रेड है वो कह रहे हैं कॉन्स्टेंट। तो बी हमारा एंड डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो बी आ गया बाहर, अंदर बच गया सिर्फ क्या डी एल बाई डी टी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है जो बेटा? ये जो आपकी रोड रखी है मेटेलिक रोड, ये जिस वेलोसिटी चल रही है वो हमारे पास क्या है? डी एल बाई डी टी। तो डी एल बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास? वेलोसिटी रहेगा, तो ये रहेगा माइनस का बी, ठीक है, स्मॉल बी इंटू में व्हाट वी बी बी वी, क्या बोलेंगे इसको बेटा? बी बी वी। बी हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बी हमारे पास स्मॉल बी हमारे पास क्या है? इसकी ब्रेड्थ जो हमने यूज किया है, और हमारे पास वी क्या है बेटा? वी हमारे पास वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये रोड मूव कर रही है, और यही इसकी वैल्यू आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। कुछ बुक्स के अंदर इस बी को बी ना लेकर क्या लिया, इन्होंने एल लिया हुआ है, और इसको एल ना लेकर क्या लिया हुआ है, इसको बी लिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर एल रुक जाएगा, कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन क्या? इक्वेशन बनेगी आपके पास बी एल वी। क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? बी एल वी। क्लियर है? दोबारा से देख लो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास आया है, या जो बोल सकते हैं मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला आया हमारे पास, हमने देखो ईएमएफ जनरेट कर ली, दो स्टेप बच गए, करंट फोर्स और पावर, ये तीन चीज निकाल लिया हमको। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है कितना आया? ई इक्वल्स टू माइनस का बी एल और वी, जहां पर बी क्या है हमारे पास बताओ? बी हमारे पास है जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, एल क्या है हमारे पास? लेंथ। किसकी लेंथ बेटा? एल हमारे पास लेंथ है इस रोड की, जो रोड आपने मूव करवाई है, और वी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव करवाई है, जिस वेलोसिटी से मूव करवाई। यहां पर से एक पॉइंट आप याद रखना, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है, ध्यान देना। आपके पास मान लो कोई रोड है, ये रोड है, ठीक है, इसी इक्वेशन से आपको बता रहा हूँ पॉइंट, ये बहुत काम आएगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो काम आएगा। मान लो आपके पास ये रोड है, इस रोड को आपने ऐसे मूव करवा दिया वी वेलोसिटी से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो इसमें ईएमएफ नहीं जनरेट होगी, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की डायरेक्शन में, तो भी क्या नहीं होगी जनरेट? क्या जनरेट नहीं होगी बेटा? कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। दूसरा सुन लो, ये आपके पास रोड है, इस रोड को आपने नीचे मुंह करा है, पूरी रोड को नीचे मुंह करवा रहे बेटा वी वेलोसिटी से, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, अब भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, ठीक है। हालांकि अगर हायर क्लासेस में देखेंगे तो जनरेट होती है, उसको हॉल इफेक्ट बोलते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बट हमको सिलेबस में क्या लेके चलना है, कब जनरेट होगी ईएमएफ? देखो, जब किसी कंडक्टर को हमने कंडक्टर को मूव करा है, कंडक्टर रखा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। यस, रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ, और वेलोसिटी कहाँ है? इस तरफ। तीन कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, वेलोसिटी जो है वो, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तीन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। मैं नोट करा देता हूं आपको यहाँ पर, ये तीन आपने लिखा ना बी एल वी, ये बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है लेंथ, वी क्या है वेलोसिटी, ये तीनों के तीनों अगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जो आपके पास ईएमएफ जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे कौन सा? इमोशनल या मोशनल ईएमएफ। और यही ईएमएफ जो आपकी जनरेट हो रही है इसी को हम स्टडी कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो गया कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, वो जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड से कुछ अलग सा एंगल बना रही है, और आप उसको मूव करवा रहे हो, ठीक है, कुछ अलग एंगल बना रही है, मतलब आपको आपने इसको ऐसे टर्न कर दिया, और इस वेलोसिटी में आप उसको मूव करा रहे हो, तो भी इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगी। पर एक बात ध्यान रखना, अगर ये बिल्कुल आपने पैरेलल रख दिया है, किसके पैरेलल रख दिया बेटा? आप लोगों ने पैरेलल रख दिया किसके? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया ऐसे, तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। यहाँ पर ईएमएफ जनरेट का फॉर्मूला क्या? E is equals to आ गया बेटा बी एल वी, ठीक है, वी जो है वो आपके पास वेलोसिटी है, और जिस वेलोसिटी को कौन सी डायरेक्शन में? राइट हैंड डायरेक्शन में। यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, वैसे कोई जरूरी नहीं है, वेलोसिटी अगर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में करोगे तो आपकी इधर से कर मूव कराओगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो एरिया बढ़ाएगी, और एरिया बढ़ने से भी इसमें क्या जनरेट होगा? करंट जनरेट होगा। एरिया घटेगा तो भी करंट जनरेट होगा, और एरिया बढ़ेगा तो भी करंट जनरेट होगा, ठीक है। चले आगे, तो हमने ये इमोशनल ईएमएफ जनरेट कर लिया। ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? ये आ गया हमारे पास बी एल वी। क्या आ गया बेटा? बी एल वी। क्लियर है? माइनस का आएगा और प्लस का आएगा, दोनों में देखो अलग। अगर माइनस और प्लस में क्या डिफरेंस, सुन लो,
एक तो मैं लिखू ई इक्वल्स टू बी एल वी और एक लिखू मैं ई इक्वल्स टू माइनस बी। इसमें समझ लेना आपका जो एरिया है वो घट रहा है, एरिया इज डिक्रीजिंग, और इसमें एरिया क्या हो जाएगा इंक्रीज, एरिया क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज। ठीक है, छोटा सा आप कुछ भी आपको सिंपल एरिया चेंज होना चाहिए आपका। ई इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास बी एल वी, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है लेंथ और वी क्या है वेलोसिटी, है ना। अब हमको निकालना है करंट, करंट इंड्यूस्ड, और जो इंड्यूस करंट है उसका हम लगा था आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर, आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। आई क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू निकालनी है हमको, ई की वैल्यू कितनी है बी एल वी अपॉन व्हाट आर, तो ये इंड्यूस करंट की वैल्यू आ गई। इसके अंदर करंट आ गया, ये जो कॉइल है इसके अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपसे पूछ सकता है करंट भी आ गया, चलो ओके। अब क्या निकालना बेटा फोर्स, देखो मान लो एक कंडक्टर है इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा, इसमें करंट जनरेट हो गया, मान लो इसके अंदर करंट ऐसे जनरेट हो गया फॉर एग्जाम्पल किस कॉइल के अंदर, मान लो इसके अंदर करंट जनरेट होगा ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली पूरे सर्किट में फ्लो कर जाएगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो डायरेक्शन बाद में बताएंगे, उसके लिए एक रूल है, पर फिलहाल आप ये मान कर चलो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या जनरेट होगा करंट जनरेट हो गया, और ये कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी। जब भी कोई कंडक्टर उसके अंदर करंट जनरेट होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो फोर्स लगता है उस कंडक्टर पर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, करंट कितना हो गया इसके अंदर ये रहा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये, इस पर क्या लगेगा फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला याद होगा आपको, फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन ऑफ थीटा, यस और नो। अब साइन थीटा, थीटा किस किस एंगल है, लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, करंट के बीच में और मैग्नेटिक, करंट ऊपर से नीचे हो रहा है, नीचे से ऊपर कहीं भी हो सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड का अंदर एंगल कितना होगा 90, कितना एंगल हो गया उनके बीच में 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला जाएगा बी आई एल। अब करंट जो आया अभी निकाल लिया हमने, करंट कौन सा करंट है, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है उस करंट की वैल्यू कितनी है बी एल वी अपॉन आर, यहाँ पुट कर दो बी इंटू बी एल वी अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो बी स्केयर, देखो बी आई की वैल्यू बी एल वी अपॉन आर इंटू एल, एक और यहाँ पर बेटा, तो बी स्केयर एल स्केयर वी अपॉन आर, ये किसकी वैल्यू होगी फोर्स, इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा वो भी आप निकाल सकते हो। सेम आपसे पावर पूछे, आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, या फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, पावर, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई बी स्केयर एल स्केयर वी अपॉन आर, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर अपॉन आर इंटू में बी, सॉल्व करो उसको, बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर अपॉन आर, ये आ गई पावर एसोसिएट्स विद द कॉइल। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, आप लोगों ने ये डिस्कस किया बेटा कि जब हम किसी कॉइल को, इसका नाम मोशनल ईएमएफ था, जब हम किसी कॉइल का एरिया चेंज करते हैं, या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, उस कॉइल के अंदर क्या जनरेट होता है बेटा, ईएमएफ जनरेट होती है, और ईएमएफ जनरेट जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ईएमएफ की वैल्यू बेटा, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास, देखो दोबारा लिख देते हैं, जिसको इमोशनल, जिसको मोशनल ईएमएफ बोल रहे हो आप, उसकी वैल्यू होती है बी एल वी। ठीक है, जहां बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, वी उसकी वेलोसिटी है, और करंट की बात करें मोशनल करंट कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है बी एल वी अपॉन आर, और अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला बी स्केयर एल स्केयर वी अपॉन आर, और अगर हम बात करें उस पर कितनी पावर एसोसिएट हो रही है, तो रहेगा बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर अपॉन आर। ये चार फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो के अंदर मैं इस पर न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, मतलब न्यूमेरिकल कराने का मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं, या जो जो सीबीएसई में आए हुए हैं, वो हम न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, अब आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूव करवाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करता है तो कंडक्टर पर क्या लगता है, सॉरी कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होती है, पर हमको ये समझना है कि जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या जनरेट हो रही है, ईएमएफ जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन वो निकलती है बेटा किससे, वो डायरेक्शन निकलती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, सिंपल है डायरेक्शन समझना। ठीक है, मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन या मोशनल करंट की डायरेक्शन समझने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ठीक है, देखो आपके पास राइट हैंड है, राइट हैंड में एक तो आपके पास क्या होगा थंब, ठीक है, एक आपके पास कौन सी फिंगर, आपके बेटा शॉर्ट फिंगर, है ना, जिसको स्ट्रेट फिंगर बोलते हैं,
ना, एक आपके लॉन्ग फिंगर जिसको मैं बोलते, सॉरी, एक स्ट्रेट फिंगर है और एक फोर फिंगर है, ठीक है, शॉर्ट फिंगर ना बोल के क्या बोल रहे इसको, फोर फिंगर, तीन ये फिंगर राइट है ना, इसको थम, इसको फोर फिंगर बोल रहे, इसको कौन सी फिंगर बोल रहे, स्ट्रेट। तो थम है ना, थम वो आपका मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन में, जहां कंडक्टर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप अपने थम को लगा दो, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा आपके पास फोर फिंगर, ये किसकी डायरेक्शन में होगा, बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। आप फोर फिंगर को किसकी डायरेक्शन में लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा दो, और स्ट्रेट फिंगर जो कि किस डायरेक्शन में होगी बेटा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगी, इसको मोशन ऑफ कंडक्टर को एम से डिनोट कर देते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं बी से, इसको डिनोट कर देते हैं आई से, क्या बन गया बेटा, एम बी आई, क्या बन गया, एम बी, एम मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब हमारे पास करंट। तो इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, राइट हैंड रूल की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिया था हमने, क्लियर है, जो कि प्लेन ऑफ पेपर के कहा था, इनवर्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लिया, और ये हमने एक कॉइल ले ली, सॉरी ये हमने रोड ली थी, इस रोड को हमने यहां मूव करवाया, किस वेलोसिटी से मूव कराया, वी वेलोसिटी से, तो ये आपका राइट हैंड है, ये वेलोसिटी आपकी, एक मोशन ऑफ कंडक्टर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया, अंदर, करंट कहाँ जनरेट होगा बेटा, ऊपर की तरफ, तो इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ओके। तो इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इमोशनल ईएमएफ पर एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे ही न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं इसके जस्ट बाद हम सेल्फ कंडक्टेंस क्या इंडक्टेंस जो भी है इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंशन।